हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं जूलिया के बारे में। बात करनी, ठीक है। जूलिया क्या है? एक साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। और ये क्या है? फ्लेक्सिबल डायनेमिक, फ्लेक्सिबल है बात करें, ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, ठीक। और ये बहुत फास्ट है, इसकी स्पीड बहुत है, बहुत ज्यादा तेज है स्पीड, ठीक। और अब बात करें कि स्पीड क्यों तेज है, देखिए अगर हम बात करें कि जब जूलिया नहीं था उसके पहले क्या था, तो जो टेक्निकल डोमेन था उसकी उसको क्या चाहिए था? स्पीड चाहिए थी प्रोग्रामिंग में, ठीक। तो इस जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे कि आप बात करें आर थी, पायथन थी हमारी, ठीक, और मैटलैब थी, तो ये क्या थी? थोड़ी थोड़ी स्लो थी, ठीक। इनके कंपेरिजन तो जूलिया ये स्लो थी, ठीक। तो जूलिया में क्या था? स्पीड है, ठीक। मेमोरी मैनेजमेंट सबसे ज्यादा है, स्पीड है। और जूलिया में एक चीज और ये देखी गई है कि वो क्या है, जूलिया क्या यूज करता है? जूलिया जो एडवांस है वो क्या यूज करता है? LLVM JIT। इसका मतलब होता है क्या, अगर इसकी बात करें हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है लो लेवल वर्चुअल मशीन जस्ट इन टाइम, इसका ये फुल फॉर्म होता है। LLVM JIT का मतलब होता है लो लेवल वर्चुअल मशीन जस्ट इन टाइम, इसका इस्तेमाल करते हैं जूलिया। तो इसकी वजह से क्या जो होता है, जो वर्क करने का एनवायरनमेंट होता है, वो उसमें जो क्या स्पीड होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, प्योर स्पीड इज पॉसिबल होती है, ठीक है। जितनी आप स्पीड चाहें वो स्पीड यहाँ इसमें मिल सकती है जूलिया में, ठीक। इसकी परफॉर्मेंस की बात की गई है, जूलिया में मैक्सिमम परफॉर्मेंस है। तो इसको जो रिटर्न करके लिखा गया है, इस लैंग्वेज को लिखा गया है वो फोर्टन और सी कंबाइन करके लिखा गया है। ये जावा में, सॉरी जूलिया में बनाई गई है, इन दोनों का इस्तेमाल करके जूलिया में, जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है। चलिए इसके बेसिक सिंटैक्स के बारे में जानते हैं, मूव करते हैं सिंटैक्स के बारे में। देखिए पहला बेसिक सिंटैक्स क्या है, ठीक। हेलो वर्ल्ड, अगर हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर लोग प्रिंट करना चाहते हैं कोई भी चीज, तो कैसे प्रिंट करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रिंट, उसके अंदर हम लोग लगाते हैं सेमी कोलन, ठीक। यहाँ पे जो लिखना है लिखते हैं कि हेलो वर्ल्ड सेमी कोलन और देन प्रिंट। अगर हम लोग इंटर करेंगे तो हमारा क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक थी तो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, ठीक। और इसका एक्सटेंशन की बात करें, अगर एक्सटेंशन जो है बात करके एक्सटेंशन कैसे यूज होता है, देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन की बात करें तो पाइथन PY हो गया, ठीक, आर में आर हो गया, ठीक। अब जूलिया की बात करें तो JL होता है, जूलिया में इसका एक्सटेंशन क्या होता है? JL होता है, ठीक। अब वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स हमें सेम होते हैं, ठीक। वेरिएबल्स कैसे, देखिए हम लोग वेरिएबल लेंगे, जैसे कि अगर स्टूडेंट नेम लेना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो इसके अंदर डबल कोट्स में हम लोग लिखते हैं राम, ठीक, ये वेरिएबल्स हो गया, ठीक। अगर हम लोग मान लीजिए इंट की बात करते हैं, तो अगर रोल नंबर लेना किसी का तो रोल नंबर लिखते हैं, ठीक, यहाँ पर रोल नंबर देते हैं 15। हम लोग डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे बाकी लैंग्वेज में, जैसे सी प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग इंट लिखते हैं, सॉरी लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक। अगर स्ट्रिंग टाइप तो लिखते हैं स्ट्रिंग है, ठीक, सॉरी जावा में स्ट्रिंग लिखते हैं और उसमें कैर लिखते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक। अगर रोल नंबर में तो हम लोग यहाँ पे इंट लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जूलिया में ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा क्या करें, वेरिएबल नेम डालिए, वेरिएबल नेम जो आपको डालना, जैसे कि हमको अगर स्ट्रिंग टाइप पर चाहिए तो हम लोग वेरिएबल नेम डालते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम डालेंगे उसका हम लोग वैल्यू को असाइन कर देंगे। अगर इंटीजर टाइप चाहिए तो हम लोग रोल नंबर डालेंगे, वेरिएबल नेम रोल नंबर डालेंगे और उसको वैल्यू को हम लोग असाइन कर देंगे। अगर इसी तरह हम लोग फ्लोट चाहिए, फ्लोट जिसमें अगर मार्क्स करके बात करें मार्क्स की, तो हम लोग फ्लोट में वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्टली वेरिएबल नेम डालेंगे, वेरिएबल जिस नेम पर चाहिए हम लोग वैल्यू डालेंगे 9.5। ये होता है मतलब वेरिएबल्स होता है, ठीक। ये हमारे वेरिएबल्स की बात करें, अगर इसमें रन कराते हैं सिस्टम में तो ये देखते हैं कैसे ये रन करेगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एस नाम का वेरिएबल है और यहाँ पे लिखते हैं राम, ठीक, राम लिखेंगे, ये हमारा राम प्रिंट हो गया, ठीक, हमारा राम प्रिंट हो गया। अगर इंटीजर के नाम मत किए, रोल नंबर अंडरस्कोर हम लोग लेंगे, रोल नंबर 5 हम लोग लिखेंगे तो हमारा रोल नंबर क्या कर गया, ये प्रिंट कर देगा। उसी तरह अगर हम लोग की बात की जो फ्लोट नंबर की, अगर हम लोग मार्क्स की बात की, वेरिएबल मार्क्स लिखा हुआ वैल्यू लिख देंगे 9.5, तो हम लोग 9.5 मार्क्स को हम लोग क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक। अगर कमेंट की बात करें, कमेंट सेम जैसे आप देखते हैं उसका एक टैग होता है, कौन सा टैग होता है, हैशटैग। हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हम लोग कमेंट के लिए, जूलिया में जब भी हम लोग को कमेंट करना होगा तो हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग इसको इरेज करें, ठीक, यहाँ पे हम लोग हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज जूलिया,
तो ये हमारा कमेंट होगा, ये हमारा प्रिंट नहीं करके देगा, ठीक, ये हमारा कमेंट होगा। अगर मल्टीपल कमेंट की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो मल्टीपल कमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैव और इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है किसके लिए, मल्टीपल मल्टीपल लाइन कमेंट, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग सीधा क्या करते हैं, हैश का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, जूलिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ हम लोग मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जूलिया में बात करेगा ये एरे की बात करेंगे, ठीक। तो जूलिया में एरे कैसे क्रिएट होगा वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक वेरिएबल नेम लेंगे, उसमें हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे 1, 2, 3, देन ये हमारा वैल्यू हो गया। देखिए 3 एलिमेंट्स हैं हमारे में, 3 एलिमेंट्स हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए हम लोग ने क्या किया इसमें, देखिए कॉमन में हम लोग ने वेरिएबल नेम क्या लिया, एरे लिया, ठीक। इसके अंदर हम लोग वैल्यू कितने दी, वैल्यू दी 1, 2, 3, 3 वैल्यू दी। तो ये बता रहा है पहली लाइन क्या बता रहा है, 3 एलिमेंट्स, ये बता रहा है 3 एलिमेंट हैं, ठीक। इनका टाइप क्या है, इन 64 टाइप्स हैं, डेटा टाइप इन 64 टाइप्स है। उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ रही 1, 2, 3, ये हमारी वैल्यू को प्रिंट होकर आ गई। अगर हम लोग अगर इसमें देखें, अगर हम लोग वैल्यू बढ़ा दे तो ये इसके चेंज भी हो जाएगा। अगर हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं एरे 1, इसके अंदर हम लोग वैल्यू देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। अगर वैल्यू देते हैं, अगर इंटर करेंगे तो देखिए हमारी क्या आ गई, 6 एलिमेंट्स आ गए हैं, वेक्टर है, इन टाइप का इन 64 है, और सारी वैल्यू हम लोग को क्या आ गई, प्रिंट होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, ठीक। अगर हम लोग अनइनिशियलाइज की बात करें, अनइनिशियलाइज एरर की बात करें हम लोग, अनइनिशियलाइज की कैसे एरर की बात करें, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एरे, लिखते हैं एरे के अंदर हम लोग टाइप लिखते हैं, यहाँ पे टाइप के अंदर हम लोग टाइप के अंदर ये ब्रैकेट लगेगा, इसमें हम लोग डायमेंशन देते हैं, ठीक। इस तरह का हम लोग सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अनइनिशियलाइज एरे के लिए। सर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं कोडिंग की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे एरे इक्वल टू, अभी इस तरह का सिंटैक्स बताया, कैपिटल जो एरे का ए होगा कैपिटल, उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, टाइप क्या होगा हम लोग का इंट 64, देन हम लोग क्या यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन हम लोग को देखिए किस तरह डिफाइन करते, देखिए अनडेव कॉमा 3, ये डायमेंशन हो गया, ठीक। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इंटर कर देंगे, ठीक, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, लिख क्या आएगा, 3 एलिमेंट, हम लोग वैल्यू क्या दी, असाइन करी 3 दी, ठीक। तो 3 एलिमेंट अरे इन 64 वैल्यू क्या आएगी, 0, 0, 0, देखिए क्या वैल्यू क्या आ गई, 0, 0 वैल्यू 0 हम लोग के आ गए, ठीक। और इसी तरह अगर हम लोग फिर से बात करें, हम लोग वैल्यू को असाइन करें 3 में, यहाँ वैल्यू डायमेंशन हम लोग 3 डायमेंशन दे दे, 3, 3, 3 डायमेंशन दे दे, तो वैल्यू क्या आएगी, जो हम लोग यहाँ पे जो क्या आ रहा था 3 एलिमेंट वेक्टर आ रहा था, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए अभी क्या आ रहा था, अभी हम लोग ने 3 डायमेंशन दिया, तो वैल्यू इस तरह की आ रही थी, ठीक। अगर हम लोग वैल्यू पास किया 3, 3, 3, तो हम लोग की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले वैल्यू आएगी 3 × 3 × 3 लिख के आएगा, फिर एरे लिख के आएगा, ठीक। एरे के अंदर का टाइप आएगा इन 64 और कॉमा 3 आएगा, ठीक, ये वैल्यू लिख के आएगी, देन ये वैल्यू लिख के आएगी, देन उसके अंदर हम लोग का ये सेमी कोलन आएगा, देन वैल्यू 1, इसके अंदर हमारी वैल्यू आएगी, जितनी भी वैल्यू होंगी 3 कॉमा जितनी भी यहाँ वैल्यू होंगी वो सब होकर आएंगे, ठीक। पहले फर्स्ट डायमेंशन क्या आएगी, फिर सेकंड डायमेंशन क्या आएगी, थर्ड डायमेंशन क्या आएगी। अगर इसको हम लोग रन कराते हैं, ठीक, हम लोग रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट देखिए कैसा आएगा, देखिए वैल्यू क्या है, 3, 3 आ गई, एरे आ गया, डेटा टाइप आ गया, और हम लोग कहते हैं हर कॉलम की वैल्यू आ गई, ठीक। 1 क्या आ गई, 0, 0, 0, 0, 0, 0 वैल्यू आ गई, फिर 2 क्या आ गई, 3 क्या आ गई, ठीक, ये हमारा वैल्यू होकर आ गई, ये क्या हो गया, अनइनिशियलाइज्ड एरे हो गया, ठीक, ये अनइनिशियलाइज्ड एरे है। नाउ हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट की, तो अब बात करते हैं कि एम्प्टी एरे की, अगर बात करें यहाँ पर तो एम्प्टी एरे कैसे वर्क करता है, ठीक। तो एम्प्टी एरे का सिंटैक्स क्या होता है, हम लोग खाली एरे को क्रिएट करते हैं, तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम ए ले लेते हैं, देन हम लोग का डेटा टाइप जो टाइप होगा वो इंट
64 की याद रखेगा, जो इंट का सबसे आई जो होगा वो कैपिटल होगा इंट, और हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं ठीक। ब्रैकेट लगाने के बाद ये हम लोग क्या क्रिएट हो गया, एम्प्टी एरे क्रिएट हो गया। अब इसको कोडिंग के हेल्प से देखते हैं हम लोग सीधा, देन हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे ए नाम का, देन हम लोग लिखेंगे टाइप इंट 64, देन इंटर करेंगे तो हमारा देखिए क्रिएट हो गया एम्प्टी एरे क्रिएट हो गया ठीक। अगर इसी तरह हम लोग डेटा टाइप जो चेंज करके हम लोग स्ट्रिंग टाइप ले लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे ए नाम का, वेरिएबल ले लेते हैं ए, देन हम लोग यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, देन हम लोग यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा क्या हो गया ब्लैंक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई, एम्प्टी एरे हमारा क्या हो गया क्रिएट हो गया। अगर हम बात करें ना मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, 2D एरे की बात करें, सॉरी अगर हम लोग 2D एरे की बात करें, 2D एरे कैसे क्रिएट करेंगे ठीक। 2D एरे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग यहीं पे असाइन करेंगे वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, जितनी 10 तक हम लोग वैल्यू को असाइन करते जाएंगे ठीक। और ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा 1, 10 उसमें। अगर हम लोग कोडिंग की हेल्प से देखें इसका, हम लोग यहीं पे वैल्यू असाइन कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इंटर कर देंगे तो 1 into 10 के उस रेशियो में ये डिवाइड कर देगा और इसमें हम लोग को चेंज करके दे देगा। देखिए ये हम लोग क्या देगा, सॉरी 9 एलिमेंट दे रहा है ओके। ये देखिए वर्जन पर भी थोड़ा डिपेंड करता है, अगर हम लोग पुराने वर्जन ओल्ड वर्जन की बात करें अगर हम लोग, तो पहले क्या देता था ये इंट टाइप देता था कि कहीं फ्लोट वैल्यू आ गई क्या, ओके एक मिस्टेक आ गई। मिस्टेक क्या है, हम लोग ने यहाँ देखिए फ्लोट वैल्यू आ गई, इसीलिए हम लोग को फ्लोट वैल्यू की यहाँ साइन करके दे रहा है। देखिए जो वैल्यू थी 1.2 आ गई, एक फ्लोट वैल्यू आ गई, इसलिए हम लोग जो वैल्यू दे रहा है 1.2, 3.0 सब में वैल्यू को असाइन करके दे रहा है। और इसका हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका इंट टाइप कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ वैल्यू हटा देते हैं, डॉट लगा तो इसमें हम कॉमा लगा देते हैं। इंटर करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 10 एलिमेंट्स हैं, वैल्यू क्या आ गई 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा आ गई, और इंटीजर वैल्यू क्या आ गई हमारी, टाइप टाइप क्या है हमारा इंट 64, और यहाँ पे वैल्यू 1.0 आ गई थे तो हमारी फ्लोट वैल्यू क्या आ गई, फ्लोट 64 वैल्यू। तो ऑलरेडी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो क्या किस फॉर्म में आएंगी, फ्लोट वैल्यू फॉर्म में आ गए। एक भी वैल्यू फ्लोट में आ गए हम लोग ले देते हैं, अगर यहाँ पे लिखा 1.2 लिखा तो ऑलरेडी जो बाकी जो वैल्यू होंगी वो कौन से फॉर्म में आएगी, फ्लोट फॉर्म में आएगी। 3.0 आ गए, 4.0 आ गए, 5.0, ये सारी वैल्यू किस फॉर्म में आएंगी, फ्लोट में वैल्यू जीरो आएंगे ठीक। अगर हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड कर, मान लीजिए कि हमको दो एरे लेने हैं, दो रो लेने हैं, सॉरी दो रो लेने हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, तो दो रो लेने के लिए हम लोग इसी में क्या करेंगे, बीच में जैसे कि हम लोग ने अभी असाइन किया 1, 2, 3, 4, 5 ठीक, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दो रो लेने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में सेमी कोलन लगा देंगे। इस सेमी कोलन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम लोग को दो, जब भी एक या दो तीन रो लेनी हो तो हम लोग बीच में सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेमी कोलन का इस्तेमाल करेंगे, सेमी कोलन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको अनदर रो लेनी होती है। तो इसको कोडिंग की हेल्प से करते हैं हम लोग, हम लोग यहाँ पे कोडिंग की हेल्प से करेंगे, देन हम लोग ऊपर वाला पार्ट लेते हैं और यहीं पे बीच में 5 फिजिकल सेमी कोलन लगा देते हैं और इंटर कर देते हैं। देखिए देन ओके ठीक 1, 2, 3, 4 देन कॉमा लगेगा 5, 6, 7, 8, 9 ये कॉमा लगेगा देन। देखिए हम लोग को नंबर के बीच में क्या देना है, कॉमा नहीं देना है यहाँ पे, सिर्फ हम लोग को दो रो चाहिए होंगे तो हम लोग नंबर लिखेंगे देन हम लोग सेमी कॉलन बीच में लगा देंगे और इंटर कर देंगे। तो हमारा देखिए दो रो बन के आ गई, पहली रो क्या है 1, 2, 3, 4 आ गई और 5, 6 आ गई। और इसी तरह का 2D एरे का इस्तेमाल करना है तो हम लोग जो ऊपर वाला डेटा नहीं था वही हम लोग डेटा इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर डेटा है, इसमें हम लोग सेमी कॉलन हटा देंगे, इसी डेटा को हम लोग 2D एरे में फॉर्म करेंगे तो क्या कैसे फॉर्म होगा। तो ये पहला अगर हम लोग इसमें करते हैं तो ये किस वे में फॉर्म होगा, 1 into 10 एरे के फॉर्म में फॉर्म होगा। अगर इंटर करेंगे तो हमारा देखिए 1 एलिमेंट में फॉर्म होगा, वेक्टर में फॉर्म हो रहा है। अगर इसमें स्पेस दे दें हम लोग, अगर इसमें स्पेस दे दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्पेस। अगर इंटर करते हैं देखिए हमारा 1:9 मैट्रिक्स में इसको फॉर्म कर रहा है ठीक।
1:9 मैट्रिक्स में इसको क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है, ठीक। और जितने भी हम लोग वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे 1:10, ठीक है, सॉरी कॉमा याद आ रहा था, कॉमा नहीं होगा, स्पेस होगा, अगर एंटर कर देंगे तो 1:10 के वे में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक, और सॉरी डिवाइड कर रहा है, मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक। देन हम लोग अगर इसकी इसकी बात करें, बीच में अगर हम लोग इसमें सेमी कोलन लगा देते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं, देखिए हम लोग 2.5 मैट्रिक्स में फॉर्म कर रहा है। और यही डेटा अगर हम लोग देखें, यही डेटा अगर हम लोग ऊपर की बात करें, इस फॉर्म में बैठ के बिना स्पेस की बात करें, तो हम लोग डेटा क्या है, 2 एलिमेंट बता रहा था, 2 एलिमेंट वेक्टर बता रहा था, एक एलिमेंट क्या था, 1, 2, 3, 4 आ रहा था, देन 5, 6, 7, 8 वैल्यू आ रही थी, दो पार्ट में डिवाइड कर, दो एलिमेंट डिवाइड कर रहा है। और इसके स्पेस देकर हम सेमी कॉलन लगा रहे हैं, 2 मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, मैट्रिक्स कितनी है, 2 × 5 मैट्रिक्स में ये फॉर्म कर रहा है, देखिए 2 है, देन 2 रो है, देन हमारे इसमें वैल्यू कितनी है, 5, 5, ठीक। इस तरह ये वैल्यू हम लोग का क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, इसमें कलेक्शन फंक्शन की बात करते हैं। हम लोग आप क्या करेंगे, एरे को क्रिएट करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलेक्ट की, कलेक्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं। कलेक्ट फंक्शन क्या इस्तेमाल करता है, हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट लिखेंगे, कलेक्ट के अंदर हम लोग पहली वैल्यू देंगे, पहले असाइन करेंगे 1, और उसके अंदर लगाएंगे कोलन, देन हम लोग सेकंड वैल्यू लगाएंगे, जैसे कि 1:5 लगाएंगे, तो इसके क्या कर रेंज क्रिएट कर देगा, रेंज कहाँ से क्रिएट करेगा, 1 से लेकर 5 तक, तो आउटपुट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, और 5 वैल्यू हमारी प्रिंट होकर आएगी, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग की हेल्प से करते हैं, देन लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कलेक्ट, देन 1:5 लिखेंगे और ब्रैकेट, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा, ठीक। देन इसी तरह बात करते हैं फ्लोट की वैल्यू, अगर बात करें, अभी हम लोग ने इंट की बात करें, इंट 64 की बात की, अगर हम लोग इसकी फ्लोट की बात करें तो हम लोग 1.5 लिख देंगे, सिर्फ यहाँ पर जो इंट की वैल्यू थी वो उसके फ्लोट की वैल्यू दे देंगे 1.5 से लेके 5.5, अगर हम लोग इंटर करते हैं तो 5 एलिमेंट आएंगे, जो वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, फ्लोट फॉर्म में, फ्लोट 64 फॉर्म में आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, ठीक। ये क्या हो गया, बात करते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने कलेक्ट की बात की, कलेक्ट पहला पहली वैल्यू, देन 5, देन ये वैल्यू होती क्या है, स्टार्ट, और ये वैल्यू होती है एंड। अगर पाइथन में याद होगा, अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में आपने स्लाइसिंग देखा होगा, तो उसी का ये अपडेट वर्जन है, स्लाइसिंग की जगह यहाँ पर कलेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। और अब हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग ने बात की अभी स्टार्ट की, एंड की बात की, अब हम लोग बीच में बात करते हैं स्टेप की बात करते हैं, सॉरी स्टॉप की बात करते हैं। अब क्या करें हम लोग, स्टार्ट की बात की, इंड की बात की, ठीक। अब इंड भी बोल सकते हैं, इसको स्टेप बोल सकते हैं, स्टॉप भी बोल सकते हैं। अब हम लोग बीच में आएंगे स्टेप की बात की, कि कितने स्टेप का गैप होना चाहिए बीच में। भाई अगर नंबर 1 है, हमको 5 पे जाना है, तो बीच में कितना स्टेप का गैप हुआ, तो हम लोग यहाँ पे आ जाता है, अब स्टेप आ जाता है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं कलेक्ट, कलेक्ट के अंदर हम स्टार्ट वैल्यू लिखते हैं 1, ठीक। कितना गैप होना चाहिए, 5, कितना और कहाँ तक जाना चाहिए, इंड कहाँ होना चाहिए, 50। तो ये क्या करेगा, पहले आ देगा, पहले जो वैल्यू देगा 1 से देगा, फिर जो वैल्यू 6, फिर जो होगा जिस तरह वैल्यू आगे देता जाएगा, 5 का गैप करते जाएगा, फिर 5 का गैप करेगा, फिर 5 का गैप करेगा, इस तरह 5 का गैप करते जाएगा, हमको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो कोडिंग की हेल्प से करते हैं, देन यहाँ पे लिखते हैं कलेक्ट 0 लिखते हैं, 0 से लेकर 5 का गैप देते हैं, देन हम लोग इंड वैल्यू देंगे, इंड वैल्यू दे देंगे 50 पे, तो हमारा जो आउटपुट आएगा 0, 5, 10, 15 इस तरह वैल्यू आएगा, ठीक। देखिए अब इसका एक और हम अगर हम चाहते हैं कि हम लोग कलेक्ट को यूज ना करें, तो क्या इस चीज का क्या यूज कर सकते हैं, तो इस चीज का एक और ऑपरेटर होता है, या बोल लीजिए कि फंक्शन होता है, जिसका नाम होता है इलिप्सिस और स्प्लेट ऑपरेटर होता है, ठीक। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम लोग कलेक्ट इस्तेमाल नहीं करना तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ब्रैकेट लगा के वैल्यू देंगे, देन जो स्टार्ट और एंड वैल्यू देंगे, देन हम लोग 3 लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, 3 फुल स्टॉप लगा देंगे, तो हम लोग इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाएगी। देखिए ये स्टार्टिंग वैल्यू है, तो हम लोग 0, 1, 2 कहाँ तक जाएगी, ये 10 तक जाएगी, स्टॉप वैल्यू 10 तक, तो ये लोग 10 तक वैल्यू हम लोग की जाएगी कंटिन्यू। इसका मतलब होता है कि ये
ये कंटिन्यू करता रहता है कहां तक, ये लास्ट तक, जहां तक लास्ट वैल्यू ना मिल जाए। ठीक, तीन डॉट लगाने का मतलब होता है कि जो वैल्यू हम लोग इंट में दी है इस वैल्यू तक जब तक पहुंच ना जाता तक ये क्या करता जाएगा, कंटिन्यू करता जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इसका कोडिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, लगाते हैं जीरो, लगाते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, देन एंड वैल्यू देते हैं, देन उसके बाद हम लोग डॉट 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 लगाते हैं, तीन डॉट लगाएंगे, देन अगर एंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू कहाँ से आएगी, 11 एलिमेंट हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक वैल्यू गई है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेंज, रेंज फंक्शन की बात कर लेते हैं कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। देखिए रेंज आपको पता है कि अगर पाइथन में पढ़ा होगा तो रेंज देते हैं कि रेंज 1 से लेकर 10 तक या 20 तक जो वैल्यू देती है वो सेम प्रोसेस यहीं पे है रेंज का। ठीक, कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। हम लोग रेंज लिखेंगे, रेंज में जो वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू होगी, देन उसके लेंथ होगा, जो लेंथ की दे देते हैं 15, और कहाँ तक रुकना है वो दे देते हैं स्टॉप, स्टॉप कितना होना चाहिए 150। ये सिंटैक्स होता है हम लोग को रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू होती है, देन उसकी लेंथ होती है, देन उसका क्या होता है स्टॉप वर्ड होता है। ठीक, आज को हम लोग कोडिंग की हेल्प से करते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रेंज, रेंज होगा 1, कॉमा लेंथ होगा, लेंथ हम लोग दे देंगे 15, कॉमा स्टॉप, स्टॉप हो जाएगा हमारा 150, ब्रेकर लगाएंगे और इंटर कर देंगे तो हमारी देखिए वैल्यू क्या आ गई, 1, 0, 10 जो वैल्यू आ गई, पूरा ओवरऑल वैल्यू आ गई एग्जैक्टली 6, 4, 20 ओवरऑल वैल्यू है, कहाँ तक गई 150 तक गई। ठीक, और अगर इसको आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले आप डायरेक्टली स्टॉप भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी लिखेंगे रेंज 1, कॉमा स्टॉप इक्वल टू 150, देन हम लोग स्टेप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और कहाँ दे देंगे 10। अब इसको रन कराएंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, वो 110 और 141 वैल्यू आएगी। ठीक, आप इस तरह भी इसको रेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं टू टेक 10 स्टेप फ्रॉम 1। ठीक, तो हम लोग ने क्या किया, 10 स्टेप फ्रॉम 1 से 10 स्टेप लिया हम लोग ने, और कहाँ पे स्टॉप होगा 150 पे हमारा स्टॉप होगा। ठीक, आप इस तरह भी रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि तो अभी हम लोग ने कलेक्ट इस्तेमाल किया, कलेक्ट का और रेंज का, तो हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे हम लोग एरे को बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट लिखेंगे, देन हम लोग इसके अंदर रेंज लगाएंगे, देन हम लोग 1 स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, देन इसकी हम लोग लेंथ देंगे, लेंथ की वैल्यू 15 हो जाएगी, देन हम लोग स्टॉप लगाएंगे, स्टॉप क्या होगा 150 हो जाएगा। ठीक, हम लोग इसको इंटर करेंगे तो हमारा कितने एलिमेंट्स होगा, देखिए 15 एलिमेंट्स हो गए, ओवरऑल हमारा सबकी वैल्यू आसान होकर आ गए। ठीक, ये कैसे हुआ, हम लोग ने क्या किया, रेंज का हेल्प, रेंज जो है कलेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके लिए हम लोग रेंज और कलेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग ने क्या बिल्ड किया, एरे को बिल्ड किया। तो हम लोग ने कलेक्ट विथ रेंज, या कह लीजिए रेंज विथ कलेक्ट, हम लोग ने क्या किया, एरे को बिल्ड किया। अब बात कर ले